हेलो एवरीबॉडी, आज कार ड्राइविंग का थर्ड पार्ट है और इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से प्रॉपरली धीरे धीरे क्लच छोड़ सकते हो जिससे आपकी कार बंद ना पड़े और किस तरह से आप मतलब बेसिकली कार को मोशन में ला सकते हो जिससे आप प्रैक्टिकली बोल सकते हो कि हाँ भाई हम कार एक्चुअली चला रहे हैं, मूव करा रहे हैं। लेकिन वो सामने के लिए था, आज मैं बताऊँगा कि आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सीधा चलाने से रिवर्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप सीधा करते हो, आप इस पोजीशन पे बैठते हो, ये देखो आपको जस्ट इतना तक का जजमेंट करना पड़ता है, बाकी आपको पूरा दिखता है। लेकिन रिवर्स में भाई पीछे का अंदाज़ा नहीं लगता और पीछे का जो ग्लास है वो भी बहुत छोटा है, आपको पूरा व्यू नहीं लगता, इसीलिए बहुत ज़्यादा अंदाजे के ऊपर चलाना पड़ता है और इसके लिए बहुत ही एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है जिस तरह से आप प्रॉपरली रिवर्स कर सकते हैं बिना किसी को ठोके। तो चलो रिवर्स से पहले वीडियो में मैंने आपको बताना भूल गया था, वो भी एक बार दिखाएंगे। देखो पहले ज़रा शीशे डाउन कर लेते हैं ताकि ज़रा लाइट आए, नीचे फोकस आ सके। देखो क्लच छोड़ने वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने इतना बता दिया आप क्लच किस तरह से धीरे धीरे छोड़ते हो और कार आपकी मूव करती है। मैं तो ये बताना भूल ही गया कि आपको रोकना कैसे है, क्योंकि रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्सेलरेट तो करके कार भगा सकती है, तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मेन टेक्निक है ब्रेकिंग। अब देखो इसको आप एकदम एक साइकिल की तरह समझो, जैसे कार को मूव कराने से पहले आप क्लच दबाते हो, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हो और कार मूव करती है, ऐसा साइकिल कंप्लीट होता है। और फिर जब आप कार को रोकते हो उस वक्त भी आपको क्लच देना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है आप फर्स्ट गियर पर क्लच धीरे धीरे क्यों छोड़ते हो, क्योंकि अगर आप झटके से छोड़ दो कार बंद पड़ जाएगी। वो क्यों पड़ती है, क्योंकि हर एक गियर का एक मिनिमम स्पीड होता है जिस पे वो चल पाती है। जैसे कि फर्स्ट गियर का इसका क्या समझ लो 5 to 6 किलोमीटर पर आवर, उसके नीचे अगर आप चले जाओगे बिना क्लच दबाए तो कार बंद पड़ जाएगी। स्पीड पे चलने के लिए इंजन को क्लच की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप वो मिनिमम स्पीड क्रॉस कर जाओगे फिर आप क्लच छोड़ सकते हो। उसी वक्त जब आप ब्रेक करते हो आपकी स्पीड कम होती है और जब मिनिमम स्पीड के अंडर आ जाती है तो उस वक्त अगर क्लच नहीं दबाओगे तो आपकी कार बंद पड़ जाएगी। डेमो के लिए दिखाता हूँ, पहले क्लच दबा के स्टार्ट करते हैं क्योंकि पुश स्टार्ट सिस्टम है। कार स्टार्ट हो गई, हैंड ब्रेक डाउन, फर्स्ट गियर डाल दिया, अभी देख लो ब्रेक से पैर हटा दिया, क्लच धीरे धीरे छोड़नी है जैसे दिखाया था। देखो क्लच छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, कार मोशन पे आ चुकी है, अब देख लो चल गई। अब मैं अगर सीधा ब्रेक दबाऊं बिना क्लच दबाए, देखो कार बंद पड़ गई क्योंकि मैंने क्लच नहीं दबाया, सिर्फ डायरेक्ट ब्रेक दबाया इसीलिए कार बंद पड़ गई। अभी मेरे को फिर से क्लच दबा के न्यूट्रल में लाके इसको स्टार्ट करना है। ज़रा रिवर्स लेते हैं वापस से, फर्स्ट गियर, इस बार देखना ब्रेक छोड़ दिया, पैर का मूवमेंट देखो, क्लच रिलीज कर दिया, कार चल पड़ी। अब ब्रेकिंग ऐसी होगी, क्लच दबा के ब्रेक। अब जो ये ब्रेकिंग होती है इसकी भी अलग अलग टेक्निक होती है, कुछ कुछ कंडीशन में आपको क्लच दबा के ब्रेक दबाना पड़ता है, कुछ कुछ कंडीशन में अगर आप क्लच नहीं दबाओगे सिर्फ ब्रेक दबाओगे तो भी चलता है, और कुछ कुछ कंडीशन में दोनों ही एक साथ दबाना पड़ता है। देखो वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर एक अलग सी वीडियो आएगी बाद में कि किस कंडीशन में आपको क्या करना है। अभी एक सेकंड स्टार्ट बंद करते हैं, किस कंडीशन में आपको क्या करना है उस पर अलग एक वीडियो आएगी। अभी देख लो कार की पोजीशन कुछ ऐसी है, मतलब राइट की तरफ कार दबी हुई है और समझ लो मुझे रिवर्स करना है और कार को पीछे घुमा के लेफ्ट में सटा के लगाना है, तो अब दिखाऊंगा किस तरह से रिवर्स की जाती है। और हाँ, इस कार में रिवर्स पार्किंग के लिए कैमरा भी है और पीछे सेंसर्स भी है, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सब चीज़ इस पर हाँ यूज़ करो, ज़रूर यूज़ करो, जब दिया है तो यूज़ करो, लेकिन इन पर टोटली डिपेंडेंट मत रह जाना। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए कि किस दिन अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, दूसरे की कार चलानी पड़ गई जिसमें ये सब फीचर नहीं आता, तो आप रिवर्स ही ना कर पाओ, बीच रास्ते में बिल्कुल आपका मौकरी बन जाएगा, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, समझे। रिवर्स के लिए मेन आपको चाहिए ORVMs और IRVMs, इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अभी देखो मैंने फ़ोन को बिल्कुल अपने आँखों के सामने रख दिया है, तो इससे कुछ मुझे ऐसी व्यू मिल रही है,
मतलब जो ORVM का है 15% कार की बॉडी से घिरी हुई है और बाकी पूरा इसका जो बाहर का है। और ये भी मैंने आँखों के सामने रख दिया है, कुछ ऐसी एंगल में मैं मिरर को रखता हूँ। अब भी जनरली लोग ऐसे ही रखते हैं। रिवर्स करते हुए पूरा खेल ORVMs का है और IRVMs का भी है पीछे देखने के लिए, अगर कोई कार वार है, क्योंकि अगर कार के एकदम नीचे तो आपको पीछे नहीं दिखेगा, इससे जस्ट दूर का दिखेगा। अब देख लो, हैंड ब्रेक डाउन, रिवर्स कर लिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, रिवर्स करते हुए इस तरह से इधर मुंडी घुमा देते हैं, ऐसे मुंडी इस एंगल से देखते हैं, अगर सोच लो राइट में दबाना हो तो। ऐसा कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्यों? क्योंकि अब अगर पीछे का देखोगे तो आपका सामने का मिस हो जाएगा। सोचो अगर मैं फुल ऐसे दबा रहा हूँ, मेरा ये सामने का बॉनेट इस दीवार पे ठुक सकता है, क्योंकि मैं तो पीछे फोकस्ड हूँ, मुझे दिखाई मेरे को दिखेगा नहीं कि सामने एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इस तरह से पूरी मुंडी मत घुमा लेना, इस तरह से इस एंगल से पीछे देखना, इससे आपको पीछे के दोनों व्यूज़ दिखेंगे। और कब बार बार सामने भी देख लिया करो, मतलब रिवर्स जब करोगे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। आपको कार के चारों कॉर्नर्स का हिसाब रखना पड़ता है कि कौन सी पोजीशन पे है। तो चलो अभी रिवर्स पे है, हम लेफ्ट पे जाएंगे, पहले स्टीयरिंग इस तरह से लेफ्ट की ओर घुमा लो। हाँ, रिवर्स में एक कन्फ्यूजन लोगों को रहती है कि सामने के वक्त तो ठीक है, लेकिन रिवर्स में कुछ लोग अगर लेफ्ट में दबाना होता है तो स्टीयरिंग उल्टा घुमा देते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन लोगों में होती है रिवर्स करने के वक्त। उनको समझ नहीं लगता कि किस तरफ स्टीयरिंग घुमाना है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो, अगर आपको कार लेफ्ट में रिवर्स करना है, मतलब कार राइट लेन में आपको लेफ्ट में लाना है, तो स्टीयरिंग लेफ्ट में ही घुमाना, राइट में नहीं। और अगर आपको राइट में आना है तो राइट में घुमाना, समझे? अभी फिलहाल लेफ्ट पूरा घुमा दिया, टोटल कंप्लीट। और एक्सेलरेट बिल्कुल नहीं देना रिवर्स पे, क्योंकि स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वैसे ही पीछे कम दिखता है, और अगर आप एक्सेलरेटर दोगे तो रिस्क हो जाएगा। बिल्कुल क्लच के सहारे चलो, देखो क्लच और ब्रेक, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए तो ब्रेक, छोड़ दो तो क्लच, समझे? अब देखो, अगर मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया है तो सामने का भाई ठुकने का चांस है बॉनेट। तो अभी थोड़ा सीधा कर लेते हैं, सीधा हो गया, अब सीधा चलते रहो। और मेरा उधर भी ध्यान है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सामने देख रहा हूँ, मेरा पीछे भी ध्यान है, पीछे भी ध्यान देते रहो। ये देख लो, देख रहे हो कार जा रही है। अब स्टीयरिंग थोड़ा और घुमा देते हैं, क्योंकि सामने लगने का कोई चांस नहीं है। थोड़ा घुमा दिया, फुल घुमा दिया, देखो अब कार कुछ ऐसे जा रही है, अब ऑलमोस्ट पहुंच गई, देख लो। अब इसको राइट की तरफ घुमा लो, पूरा फुल राइट। अब धीरे धीरे क्लच और ब्रेक के सहारे देखो मैं किस तरह से जा रहा हूँ, और कार भी घूम गई फुल, कार इस तरह से हो गई। अब देखो कार लेफ्ट लेन पे आ चुकी है, स्टीयरिंग को सीधा कर दो, ब्रेक पे पैर रखो, फुल क्लच दबाओ और न्यूट्रल कर दो, और इसके बाद चलते बनो। बाहर से एक बार इसका लुक दिखा देता हूँ सर, ये देख लो कार मैंने पार्क कर दी और बिल्कुल सीधी, देख लो सामने के जो टायर हैं इस लाइन से होकर पीछे के टायर्स भी एकदम वहाँ, इसको बोलते हैं भाई एकदम सीधी पार्किंग। देख रहे हो एक लाइन के ऊपर दोनों टायर्स हैं। ये प्रैक्टिस के साथ आती है, एक दिन में नहीं होगा, टेंशन मत लो, चलाते चलाते आपको भी आ जाएगा। चलो अब दिखाता हूँ कि कुछ टाइट स्पॉट्स में यू टर्न कैसे लेते हैं। लेकिन यू टर्न लेने से पहले आपको आपकी कार की फ्रंट और रिवर्स जजमेंट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आप यू टर्न नहीं लोगे। यू टर्न लेने जाओगे आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि कितना कार को बढ़ाना है, पीछे करना है। देखो फ्रंट जजमेंट के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, लेफ्ट जजमेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, उस पर अलग सी वीडियो आएगी, क्योंकि ये वीडियो पे अगर सब डाल दिया तो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन पीछे का जजमेंट होना ज़रूरी है। काम करो, कार के बाहर आओ, पहली बार चला रहे हो तो अच्छे से कार को देख लो, समझ लो कि एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली कितना डायमेंशन होना चाहिए, मन में बिठा लो। ये कैलकुलेशन दिमाग में ही होती है, कोई आपको सिखा नहीं सकता, पूरा आपका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है और कॉमन सेंस के ऊपर है। कार की एक अप्रॉक्सीमेट जजमेंट ले लो रिवर्स की, समझे? तो अब यू टर्न लेना भी सिखाता हूँ। चलो अब हम यू टर्न लेंगे, पहले ये रोड देख लो, इधर से लेके मेरे पास वहाँ तक का जगह है, इतनी कुछ विड्थ है, इसी में मेरे को यू टर्न लेना है फुल। एक सेकेंड बाहर निकल के दिखा देता हूँ, उतर के अच्छे से समझ पाओगे क्या एग्जैक्टली कंडीशन है। ये देख लो ऐसी कुछ रोड है,
इतने में से अपने को यू टर्न लेना है। और मैं ये मान के चलूँगा कि इधर देखो फिलहाल मैं कार ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं यही मानूँगा कि यहाँ तक दीवार है, इसके पीछे नहीं ले जाऊँगा। और वहाँ पर भी वो जो रैम्प है इतना तक दीवार है, इसके अंदर फुल यू टर्न का खेल दिखाऊँगा। चलो अब देख लो इस यू टर्न में मुझे क्या करना है, मुझे कार राइट की तरफ घुमाना है। अगर राइट की तरफ यू टर्न लेना है इस तरह से, तो पहले अपनी कार की जो अलाइनमेंट है बिल्कुल रोड के एकदम लेफ्ट मोस्ट लेन में दबा लो, जितनी हो सके उतनी दबा लो, क्योंकि आपको जगह भी उतनी ही चाहिए। अब देखो मैंने लेफ्ट की ओर पूरी दबा रखी है कार, अब स्टीयरिंग पूरा घुमाना है, समझे, फुल टोटल। रुको एक सेकंड, ज़रा आगे लेके घुमाते हैं, थोड़ा जगह मिलेगा। देख लो स्टीयरिंग है सीधा, टोटल घुमा लो, फुल घूम गई। अब इसमें एक्सेलेटर बिल्कुल नहीं देना जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्लच और ब्रेक के सहारे फुल घुमानी स्टीयरिंग। अब चलो देखो यहाँ तक आ गए हम लोग। ज़्यादा पहले दिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, अगर किसी भी पॉइंट पे कन्फ्यूजन आए कि कार सामने ठुक सकती है तो रिवर्स ले लो, बेटर बी सेफ देन सॉरी। ऐसा मत करो कि शायद निकल जाएगी, अगर बाई चांस ठुक गई तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा उस बात का। अब फुल स्टीयरिंग लेफ्ट पे दबाओ। देखो मैं कैमरे की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे देखूंगा, जजमेंट लूंगा कि कार कितनी जा सकती है। चलो इतनी गई, अब न्यूट्रल, अब फिर से राइट, समझे। देख लो अब सामने ठुक सकती है कि नहीं, क्या लगता है, निकल जाएगी, निकल गई। ये पूरा जजमेंट का खेल होता है, समझे। तो इस तरह से आप कार को यू टर्न भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आप कुछ ज़रूर सीखे होंगे, होप सो। और इस पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो।